अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू उमर शिफॉलोजी। मैं हूं उमर अजमल और मैं लाया हूं उमर शिफॉलोजी के चैनल से आपके लिए तंदूरी आलू सैंडविच की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। सबसे पहले चलते हैं इनकी फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है तंदूरी मसाला, या आप टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, तो ये टिक्का आलू सैंडविच हो जाएंगे। साथ में देसी घी, आपने यूज़ करना है, इसी से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ऑयल नहीं यूज़ कर सकते आप या तो इसमें बटर यूज़ कर लें, बटर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ में एक हरा धनिया, साथ में चिली गार्लिक सॉस, ब्रेड के स्लाइसेस और ये आलू जिनको अभी हमने बॉईल करना है। ये आलूओं को मैंने लंबाई में आधा करके फिर से दोबारा से आधा करके इनको एक एक इंच की क्यूब्स में काटा है। इस तरीके से आलू बॉईल करने से आलू बहुत जल्दी बॉईल होते हैं, बहुत अच्छे बॉईल होते हैं और उनमें लेस बिल्कुल भी नहीं होता। पहले वक्तों में आलू जो है डायरेक्ट डाल दिए जाते थे बॉईल करने के लिए, एक तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते थे, फिर उनको छीलना बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ पर मैंने सॉस पैन में आलू डाल दिए और बॉइलिंग वाटर मैंने डाला ताकि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए, और चूल्हे को मैंने हाई पे रखा है अंटिल कि ये बॉइलिंग पे आने लग जाए। पॉट को मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पर आलू जो है बॉयल हो रहे हैं और आंच को मैंने कर दिया मीडियम और इनको बॉईल किया है 10 मिनट के लिए। अगर आप साबुत डाल देंगे तो वो फिर आधा पौना घंटा ले लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने एक क्यूब लिया है और इसको छुरी से काटा है, तो ये बिल्कुल जो है टेंडर हो गए हैं, गल गए हैं। इनको मैंने ड्रेन किया है और ठंडे पानी में डाल के इनको दोबारा एक बार रिफ्रेश करके ड्रेन कर दिया है। और इसमें आप डालेंगे टिक्का मसाला, चिली गार्लिक सॉस, हरा धनिया और एक पोटैटो मैशर से आप इसको मैश कर लें। नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि तंदूरी मसाला और चिली गार्लिक सॉस दोनों में नमक होता है। जो कॉम्बिनेशन तंदूरी मसाला और चिली गार्लिक सॉस का है वो बहुत अच्छा बनता है, आप इसको ट्राई करके देखें फिर आपको पता चलेगा। तो अब इसकी जो सैंडविच बनाते हैं, एक ब्रेड का स्लाइस लिया मैंने, उसके ऊपर फिलिंग डाली है और इसको मैं स्प्रेड करूँगा। मेयोनीज़ नहीं लगानी दोनों साइड्स पर, क्योंकि हम इसको घी में टोस्ट करेंगे, ये उसी से बहुत अच्छे मॉइस्ट हो जाएंगे। मेयोनीज़ लगाएंगे तो वो मेयोनीज़ का और घी का जायका मिक्स होके अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मेयोनीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह जो है फिलिंग लगाएं और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख दें और साइडों पे जो एक्सेस आ रहा है उसको आप निकाल दें। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 2 टीस्पून देसी घी को गरम किया है, ये एक साइड के लिए इतना लगेगा। हाई हीट पे मैंने इसको गरम किया है। इन सैंडविचेस को आपने लो हीट पे करना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। तो सैंडविच मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा इसको दुबाया है और मैंने इसको टोस्ट होने दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, लेकिन लो हीट पे। हाई हीट पे करेंगे कलर तो आ जाएगा पर वो क्रिस्पी नहीं होगा, तो आपने इसको साथ में क्रिस्पी भी करना है। तो जितनी लो हीट पे जितनी देर तक ये टोस्ट होता रहेगा उतने अच्छे से कलर आएगा और बाद में उतने ही अच्छे ये क्रिस्पी रहेंगे। तो एक साइड से ये टोस्ट हो चुके हैं, बड़ा अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। दूसरी साइड के लिए मैंने दोबारा 2 टीस्पून घी डाला है, इसको मेल्ट होने दिया है, थोड़ा सा इसको मैंने फैला दिया और इसके ऊपर दूसरी साइड पर रख दिया ताकि वो भी टोस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हुआ है ये। तो दोनों साइड से मैंने टोस्ट करने के बाद इनको एक वायर रैक पर रख दिया, थोड़ा सा ही ठंडे हो जाएंगे। अगर आप प्लेट पर डाल देंगे तो ये बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो जो चूल्हा होता है आप जो जलाया हुआ ना हो उसके ऊपर आप रख सकते हैं, वो भी वायर रैक का काम करेगा। अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ इसका टेक्स्चर कि कितना ये क्रिस्पी है। एक मैंने इसको सेरेटेड नाइफ से इसको काटा है, तो ये देखें अंदर से इतनी मोटी फिलिंग लेयर की होनी चाहिए। इस रेसिपी से आपके इस टाइप के 2 सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। तो कांटा रख के मैंने आपको बताया कि कितना क्रिस्पी है। तो हमारे तंदूरी आलू सैंडविच बन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्नैक है। ज़रूरी नहीं कि हर स्नैक के अंदर चिकन हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्सअप दें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी का रेसिपी कार्ड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ मेरे फेसबुक पेज पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। पेज को लाइक करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।